अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 5 फॉर क्लास 4 एंड सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। टुडेज़ लेक्चर इज़ बेस्ड अपॉन एक्सरसाइज 13 विच इज़ एट द पेज नंबर 15 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो इसकी स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज में करना क्या है, इट इज़ रिटन मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। इसमें भी बेसिकली हमने मल्टीप्लीकेशन ही करनी है, जस्ट लाइक एक्सरसाइज 12, ठीक है। ये एक्सरसाइज 12 से भी इजी एक्सरसाइज है, इसमें सिंपल से क्वेश्चन हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपने इसी के ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसमें से 2 क्वेश्चन करता हूँ। आज हम जो है इसके ए टू एच क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। तो इसके फर्स्ट मैं इसके 2 क्वेश्चन करके देता हूँ, बाकी आपने ही मैंने इसको खुद करना है। तो इसके क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं, उसमें है 250 × 50, ठीक है। 250 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 50 से, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट यूज़ करेंगे हम अपनी आसानी के लिए, ठीक है। इसमें आप देखें 50 लिखा हुआ है। अब मुझे बताएं कि 50 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 50 = 5 × 10। जब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 50, ठीक है। 10 × 5 क्या आएगा, 50। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं इस तरह। अब मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसको इस तरह से सेपरेट क्यों किया, ठीक है। तो जब इसको सेपरेट किया 50 को, तो 10 × 5, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली 50, ठीक है। अब ये जो है इस टर्म को हम सेपरेट कर लेते हैं, पहले हमने फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये प्रोसीजर क्यों किया, सेपरेट क्यों किया कि रेदर देन मल्टीप्लाइंग द होल नंबर, हमने क्या किया, हमने 50 को सेपरेट कर लिया ताकि हम आसानी हो जाए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। पहले अगर हम सेपरेट ना करते तो हमें इधर 50 से इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ना था, जो कि एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। अब जब हमने इसको 10 को सेपरेट कर दिया तो 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब थोड़ा सा इजी प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। तो 250 × 5 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 0 = 0, 5 × 5 = 25, 25 का 5 यहाँ पे आएगा, 2 कैरी जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 + 2 = 12, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, ये किसका आंसर आया, 250 × 5 का, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन आसान हो गया। अब हमारे पास रेस्ट पार्ट क्या रह जाता है कि हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कराना है। तो अब जो आंसर आया इसको सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब सिंपल ये है कि जब ये 10 है, अगर तो यहाँ पे सिंगल ज़ीरो है तो आपने जो आंसर आया उसके साथ जो एक सिंगल ज़ीरो ऐड कर देना जस्ट, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इसमें जैसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा है और जो आंसर आया उसके साथ जैसे अगर यहाँ पे 10 बना है तो हमने जैसे एक ज़ीरो ऐड कर दिया, तो इससे हमारा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, आंसर ऑब्टेन करने का इजी हो जाएगा, सही है। अब इसके क्वेश्चन नंबर जो है वो ई को देखते हैं। ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पे सॉल्व किया है। इसमें भी सिंपल वही प्रोसीजर यूज़ हुआ है जो हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर बी, उसमें यूज़ किया था कि ये जो 500 है इसको हमने क्या किया, बेसिकली स्प्लिट कर दिया, ठीक है। 500 को हम इस तरह से लिखते रहे, 500 × 100, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों करते हैं, ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए मल्टीप्लाई करवाने के लिए। अब जैसे देखें यहाँ पे 500 की जगह हमने क्या लिख दिया, 5 × 100, ठीक है। 500 की जगह 5 × 100, अब 100 सेपरेट हो गया। अब रेदर देन कि हम इस पूरे 329 को 500 से मल्टीप्लाई करते, जो कि एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर था, अब हमने क्या इसको कन्वर्ट कर दिया कि हम इसको अगर 5 से ही मल्टीप्लाई करवा दें जस्ट, तो हमें आंसर जो है वो ऑब्टेन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब 329 × 5 इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 9 × 5 क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। 45 का 5 यहाँ पे आ गया, 4 कैरी गया, 5 × 2 = 10, 10 + 4 = 14, ठीक है। 4 यहाँ पे आ गया, 1 फिर से कैरी गया, 5 × 3 = 15, 15 + 1 = 16, तो 16 यहाँ पे आ गया। अब हमने यहाँ पे अभी हमारा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस जो जो आंसर आया है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा पार्ट रहता था। तो 1645 को जब यहाँ मल्टीप्लाई किया इससे, तो अब यहाँ पे ये देखें ये 2 ज़ीरोज़ हैं, ये आंसर आया था। हमने क्या किया, हमने कहा इस आंसर को एज इट इज़ लिखते हैं, साथ 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपने देखा कि इसमें जस्ट हमने 5 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ा है और हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी आ गया, रेदर देन कि हम पूरे 500 को मल्टीप्लाई करते। तो ये स्प्लिट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें आसानी रहे इसको मल्टीप्लाई करवाने में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो इसके क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन नंबर बी की है, क्वेश्चन नंबर ई की है।
इसके जो क्वेश्चन नंबर ए सी डी एफ जी एच वो बिल्कुल इसी प्रोसीजर से होने हैं जिस प्रोसीजर से ये दोनों क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। इनमें कहीं पे भी कोई भी मेथड कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, तो आपने इन सबको खुद करना है, ठीक है। होम प्रैक्टिस करनी है और इनके आंसर जो है ना अपनी बुक पे ही यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। इसके आगे इक्वल डालें और जो फाइनल आंसर है वो लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल फाइनल आंसर है। इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं आई से लेके पी तक जो क्वेश्चन हैं इनको हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट आपने ए से लेके एच तक क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व करना है, ये जो क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इनमें ए बी क्वेश्चन हो गया, ई क्वेश्चन हो गया, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को आपने इसकी होम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और आंसर को बुक पे लिखना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।